हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये डेटाबेस हमने डिजाइन किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसे डिजाइन कैसे किया गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर आईडी है जिसे ऑटो नंबर रखा है मैंने, प्रोडक्ट है जिसे टेक्स्ट डेटा टाइप रखा है, प्राइस को हमने करेंसी रखा है, क्वांटिटी को रखा है नंबर डेटा टाइप, रेट चार्जेस को नंबर डेटा टाइप रखा है और एडवांस को रखा है नंबर डेटा टाइप और इंश्योरेंस को भी नंबर डेटा टाइप रखा है। इसके आधार पर नेट अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है, कुल अमाउंट कितना हुआ, नेट अमाउंट कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है तो देख ही सकते हैं आप, और ये फ्रेट चार्जेस का मतलब होता है माल ढुलाई के बदले जो भाड़ा दिया जाता है, खर्चा दिया जाता है, उसे बोलते हैं फ्रेट चार्जेस। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ पे सीमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है और इसकी प्राइस है सपोज कीजिए 400 रुपए, एक सीमेंट के बोरे की प्राइस है 400 रुपए और ऐसे ऐसे 50 बोरे लिए गए और इसमें 500 रुपया एडवांस दिया गया था। ठीक है, और अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उसके लिए 600 रुपया इंश्योरेंस के लिए दिया गया। ठीक है, अब यहां पर आता हूं मैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, रिपोर्ट डिजाइन करेंगे। तो रिपोर्ट विजार्ड में चलेंगे और रिपोर्ट विजार्ड में चलने के बाद ये सारी चीजें हमें चाहिए सिवाय आईडी के। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को ले लेते हैं, लाइक ये देखिए आईडी को हटा देते हैं, क्यों यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे प्रोडक्ट नेम को प्रियोरिटी देंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जा करके और यहाँ से कोई भी आप चूज कर लीजिए और यहाँ पर जा करके और फिर फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे ये इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर वे में आया नहीं है तो इसको सेटिंग करना पड़ेगा हमको। सेटिंग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसे डिजाइन व्यू पे ले लीजिए। डिजाइन व्यू पे लेने के बाद इसको थोड़ा सा सेट करते हैं हम, लाइक ये क्वांटिटी आपको दिख रही होगी इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये प्राइस दिख रही होगी तो प्राइस को भी थोड़ा छोटा बना लेते हैं, लाइक कुछ इस तरह से, ये देख सकते हैं ये और ये। तो ये देखिए, ये प्राइस को हमने छोटा कर लिया और छोटा करने के बाद यहाँ पे फ्रेट चार्जेस देख ही रहे हैं आप, थोड़ा सा और प्राइस को छोटा कर लेते हैं ताकि ये फ्रेट चार्जेस बड़ा हो जाए। ये यहाँ पे एडवांस है और ये यहाँ पे इंश्योरेंस। ठीक है, एडवांस को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये एडवांस को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, अब यहाँ से थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे और ये देखिए अब ये फ्रेट चार्जेस दिखाई देने लगा। तो अब हमको करना क्या है यहाँ पे, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ से सबसे पहले ये हटा देता हूँ, हेडर अभी फिलहाल मैं नहीं रखता और यहाँ पे चाहे तो आप कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अगर आप कलर देना चाहें तो इस को एक कलर दे सकते हैं, लाइक मैं इसे कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, पहले इसे बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से कलर प्रोवाइड कर देता हूँ ये वाला, तो ये कलर हो गया और यहाँ पे इसको कलर ब्लैक रखूंगा और बोल्ड तो रखना ही रखना है तो ये बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे ये नीचे भी हमें इसको, ये जो दिखाई पड़ रहा है नीचे, इसको भी हमें सेम कलर प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले तो इन सबको सेलेक्ट कीजिए, ब्लैक और बोल्ड कर लीजिए, तो ये बोल्ड कर लिया, ब्लैक भी कर लिया और अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ताकि ये भी उसी कलर में आ जाए। तो ये आ चुका है। अब हमको करना क्या है, देखिए सबसे पहला सवाल इनका यही है कि टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैलकुलेट करना बहुत आसान है। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसे ड्रैग करवा दीजिए, ये ड्रैग करवा दिया, जैसे ड्रैग करवाएंगे ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे टेक्स्ट 15 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर जाइए आप प्रॉपर्टी शीट पे। अगर आपकी प्रॉपर्टी शीट ओपन नहीं होती है तो आपको करना क्या होगा वो बता देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट दिया गया है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर जाइए इसको हटा दीजिए। चूंकि हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पे लेना है टोटल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ TOTAL टोटल। ठीक है, तो जैसे ही टोटल लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ भी टोटल आ जाएगा और यहाँ पर भी ये टेक्स्ट 15 हटाना है, नहीं तो ये हमें कैलकुलेट नहीं करने देगा सही से। तो ये टोटल लिख दिया हमने। अब दोनों ही को टोटल लिखने के बाद इसको सिलेक्शन में लीजिए और सिलेक्शन में लेकर के यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर ये बोल्ड बना दीजिए इसे। तो अब ये देखिए ये इस तरीके से आ गया है। ठीक है, लेकिन इस पे हमको फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ कंट्रोल सोर्स पे जाइए, 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ पे प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, तो ये लिखा प्राइस इनटू और यहाँ पे कर देंगे यूनिट, तो ये कर दिया यूनिट, तो प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा, ये काम हो गया। अब क्या करना है आगे, और वो है हमें फ्रेट चार्जेस को टोटल में से फ्रेट चार्जेस माइनस इंश्योरेंस करना है। तो फ्रेट चार्जेस कितना लग रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कॉलम मैंने बना रखा है फ्रेट चार्जेस के लिए, इंश्योरेंस को माइनस कर देना है। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर चले जाइए आप टेक्स्ट बॉक्स पे और यहाँ पर आकर के फिर इसको ड्रैग करवा लीजिए इस तरीके से, ये ड्रैग करवा लिया। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट 17 लिखा हुआ है यहाँ पर मैं दे देता हूं टोटल अमाउंट। ठीक है, एक तो टोटल दे दिया, दूसरा कर देता हूं टोटल अमाउंट,
ठीक है, ये टोटल अमाउंट दे दिया, यहां पर भी आपको टोटल अमाउंट देना है, ठीक है, यहां पर तो टोटल अमाउंट दे दिया, ये हमारा टोटल अमाउंट है, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, और यहां पर भी टोटल अमाउंट कर देंगे, इसको हटा देंगे, और यहां से टोटल अमाउंट यानी इसी को पेस्ट कर देता हूं, तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि फॉर्मेट कॉपी कर लूं इसका, तो फॉर्मेट कॉपी कर लिया, और यहां पर क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और यहां पर रख करके, और इसको बोल्ड वगैरह बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब यहां पे देख सकते हैं ये कंट्रोल सोर्स आ चुका है। अब टोटल अमाउंट आएगा कैसे, देखिए इनका कहना है कि टोटल अमाउंट कैसे आएगा, कि आप टोटल में से फ्रेट चार्ज टोटल जो है आएगा कैसे, टोटल पहले तो टोटल ले लेंगे, तो यहां पे कर देता हूं टोटल, TOTL टोटल प्लस, अब यहां पे फ्रेट चार्जेस को इंक्लूड करना है, तो FREIGST फ्रेट, और फिर लिख दिया चार्जेस, और यहां पे माइनस कर देंगे, प्लस नहीं करेंगे बल्कि माइनस कर देंगे इंश्योरेंस को, तो यहां लिख दिया इंश्योरेंस, तो ये हमारा काम हो जाएगा इससे, ठीक है। इसको मैं दिखा भी देता हूं जूम करके, ये देखिए जिस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, और इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं, ओके, तो ये कर दिया हमने। और ये करने के बाद क्या करना है, इतना करने के बाद अब नीचे इनको कैलकुलेट करना है टोटल माइनस एडवांस, यानी कि टोटल में से एडवांस आप माइनस कर दीजिए, क्लिक करके और टोटल माइनस एडवांस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक फील्ड में डाल देता हूं आफ्टर एडवांस, ये कर दिया हमने आफ्टर एडवांस, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे लाके इसे भी आफ्टर एडवांस बना देता हूं, इसको हटा दिया मैंने और यहां पे कर दिया आफ्टर एडवांस, ठीक है। आफ्टर एडवांस करने के बाद क्या करना है, यहां पर क्लिक रखना है, ये क्लिक रखा हमने, और कंट्रोल सोर्स पे जाना है और ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको कर देना है, तो ये लिखा मैंने टोटल सिंपली, और माइनस कर दीजिए एडवांस को, ADVANCE, बस ये आपका काम हो गया, और यहां से ओके प्रेस कर दीजिए, और बाकी ये फुटर वगैरह ये ऊपर नीचे करते रहिएगा आप। ये अब यहां से व्यू पे क्लिक करिए, तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे अभी कुछ डाला नहीं गया है, तो अभी इसको क्लिक नहीं करता, मैं टेबल पे आता हूं। यहां पर एक गलती हमसे हुई है, हमने यहां यूनिट दिया है जबकि हमको QTY यानी क्वांटिटी देना था, तो यहां पे बस आपको QTY कर देना है, ये देखिए यही हमने दिया हुआ है, तो ये QTY कर दिया हमने। अब बस यहां से इसको सेव कर देता हूं, और सेव करके इस पे क्लिक कर देता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सारी चीजें आ चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सेटिंग करता हूं, देखता हूं क्या होता है। ये देखिए ये आफ्टर, ये इसको थोड़ा सा सेट करते हैं इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे सबके बीच में, तो इसको यहां पे, और थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे, और एक पर्टिकुलर कलर देने की कोशिश करता हूं, ये टोटल अमाउंट जो है इसके बैकग्राउंड पे एक पर्टिकुलर कलर लगाने की कोशिश करता हूं मैं, लाइक ये कलर ठीक रहेगा, ये कलर हमने लगा दिया, और यहां पर इसको व्हाइट कर देता हूं, व्हाइट करूंगा तो इसका इफेक्ट पता चलेगा, तो ये देखिए, और यहां से थोड़ा हिस्सा इसको और खींच करके बड़ा कर देंगे, तो ये देख सकते हैं ये हमने इस पे पर्टिकुलर एक कलर लगा दिया है, इस पे भी एक कलर लगा सकते हैं आप चाहे तो। तो यहां पे जा करके, और पहले तो इसको मैं डार्क ब्लैक बना देता हूं, और फिर यहां से एक कलर यूज कर लेते हैं, लाइक ये कलर ठीक है, तो ये यूज कर लिया हमने, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हो गया है। और अब इस पे क्लिक करते हैं, अब देखते हैं ये कैसा दिखता है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ओके। तो यहां पे फ्रेट चार्जेस क्या है, ₹500 है, एडवांस क्या है यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, और यहां पे टोटल देख सकते हैं कितना आया हुआ है, 50 क्वांटिटी के हिसाब से यहां पे 20,000 आ गया है, और टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट देते समय इन्होंने जो क्राइटेरिया रखी, बोल कहा था रखने को, वही मैंने रखा है यहाँ पे। टोटल अमाउंट में जो है पहले फ्रेट चार्ज को इंक्लूड किया है, फिर इंश्योरेंस को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार ध्यान से कि फ्रेट चार्ज कितना है, ₹500 है, और टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे आया है 20,000, तो 20,000 में 500 ऐड करेंगे कितना आएगा,
20,500 हो जाएगा, और 20,500 में से 600 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 19,000, ठीक है, और उसमें एडवांस भी माइनस कर देंगे 19,900 आएगा, फिर एडवांस माइनस कर देंगे तो यहां पे 19,500 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर अगर आप सेकंड एंटर करते हैं कुछ और, लाइक मैं यहां पे एंटर करता हूं सैंड या बालू कुछ ऐसे, एक एग्जांपल के तौर पे यूज कर लेता हूं, तो एक तरह से फुट के हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे, तो प्राइस मान लीजिए यहां पे कर देता हूं 80 रुपए, ठीक है, और एक फुट का ये प्राइस है, ठीक है, एक फुट का प्राइस कितना है 80 रुपए, और इस तरह के अगर आप 100 फुट लेके जाते हैं, फिर यहाँ इंश्योरेंस इसमें 500 मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये कर दिया हमने, एक एग्जांपल लेके दिखाने की मैंने कोशिश की है कि इसको कैसे करेंगे। तो ये हो गया, और अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ से थोड़ा रिफ्रेश पे एक बार क्लिक कर देते हैं, तो ये देखेंगे कि ये जो सैंड है वो उसकी डिटेल नीचे आई हुई है, देख लीजिए, और इसकी डिटेल जो है ऊपर दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर थर्ड वाला आप बनाएंगे, लाइक यहाँ पे बनाता हूं कुछ और टीएमटी सरिया, ये कर दिया हमने छड़ है, तो गैलन टीएमटी सरिया कर दिया, और एक क्विंटल की कीमत है, मान लीजिए सपोज कीजिए एक क्विंटल की कीमत कितनी है, एक क्विंटल की कीमत है आपकी 5,000 रुपए, ठीक है, सपोज कीजिए 5,000 रुपए कीमत है एक क्विंटल की, और ऐसे ऐसे 20 क्विंटल छड़ अगर गए तो टोटल का चार्ज कितना, अच्छा उसपे ढुलाई का खर्चा भी आएगा, तो 1200 रुपए फ्रेट चार्जेस हो गया, और यहाँ पे एडवांस दिया गया 600 रुपए, ठीक है, तो और इंश्योरेंस है इनका लगभग 1,000 रुपए का, तो यहाँ पे ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर ये हमने डाल दिया है, सारी डिटेल कहाँ कैलकुलेट होकर आएगी रिपोर्ट में, तो यहाँ पर रिपोर्ट में चलते हैं पर एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे थर्ड वाला देख सकते हैं, ठीक है, गैलेंट, और यहाँ पे ये देखिए तीनों एक साथ, देखिए ये गैलेंट वाला है डिटेल 99,400 रुपए आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं, और आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।